तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का joblogi.com के एक और न्यू वीडियो में दोस्तों, जहां मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी से निकली बम्पर जॉब की वैकेंसियों की डिटेल आप सभी के लिए। तो दोस्तों, जिन भाइयों को नहीं पता है कि डीमार्ट क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डीमार्ट एक शॉपिंग मॉल होता है जिसमें दोस्तों आपको खाने पीने का सामान भी मिलता है, कपड़े भी आपको मिल जाते हैं ए टू जेड दोस्तों, घर से लेके आपको खाने पीने तक ग्रोसरी तक का सामान वहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है बहुत ही सस्ते दाम। तो दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़कर पैसा कमाना चाहते हैं अच्छा खासा, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट दोस्तों कट या स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस देखो बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कितनी आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ देखिए, हम आ चुके हैं डीमार्ट के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे, जहाँ दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लीजिए आप प्रूफ। 83 कैटेगरी से जॉब आपके सामने निकल चुकी हैं, लगभग 9 पेज हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफिसर से लेकर के दोस्तों हाउसकीपिंग तक की जॉब आप सभी के लिए अवेलेबल कर दी गई है। दोस्तों यहाँ अगर बात कर जाए क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के मिनिमम लेवल की, तो दोस्तों यहाँ पर 8वीं पास वाला कैंडिडेट भी आवेदन करके अपना करियर सेट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप आज की वीडियो से बहुत कुछ सीख जाएंगे और दोस्तों आप अपनी जॉब भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले देखिए, मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, joblogi.com चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके डेली वेज पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम की जॉब की जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत के बदले में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी भाई कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम चैनल पर आए वो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आपको भी एक अपडेट मिल सके प्राइवेट सेक्टर से रिलेटिव। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी आज की हमारी वीडियो के बारे में, आज के हमारे टॉपिक के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं आप, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का आपको यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल देखने मिल जाती है, जिसे दोस्तों आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मिलता है आज की हमारी वीडियो का जो मेन हाईलाइट टॉपिक या हेडिंग कह सकते हैं, आपने जब अपनी कक्षा पूरी की होगी 10th 12th की, तो आपको मेन हेडिंग वहाँ मिल जाती थी, उस तरह से दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको हेडिंग वगैरह देखने मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो नीचे आने के बाद में दोस्तों आपके सामने डीमार्ट की जो जॉब है उसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है डीमार्ट की 2022 की डिटेल और इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बात करने से पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे जॉब एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें दोस्तों मात्र आप 5 मिनट में अपने सपनों की जॉब को सेलेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ अपने ऐप के बारे में। दोस्तों यदि अभी तक आपने अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के सबसे पहले डाउनलोड कीजिए और दोस्तों वहां से आप अपने मनचाही कोई भी जॉब प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अपना ऐप आपको देता है लगभग 50 लाख से भी ज्यादा नौकरियां आपके ही शहर में, जहां आपको मिलता है एचआर का नंबर। आप एचआर से दोस्तों बात करके अपना इंटरव्यू भी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं और अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज डाउनलोड कीजिए और आज ही ले लीजिए अपने सपनों की जॉब को। दोस्तों बिना वक्त गवाए हम बात करते हैं वीडियो के आज के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर बात करी जाए कंपनी नेम की, तो दोस्तों यहाँ देखिए डीमार्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करी जाए कंपनी के बारे में, थोड़ी सी आपको समरी यहाँ देखने को मिल जाती है अबाउट ऑफ कंपनी, तो दोस्तों यहाँ आप इसे खुद से चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे बात कर जाए देखिए आपके अप्लाई मोड की, तो दोस्तों आपका अप्लाई मोड रखा गया है ऑनलाइन, 100% फ्री होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए एक भी रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली आवेदन करने में, आप बिल्कुल फ्री में अपने नए या पुराने फ़ोन से दोस्तों, कंप्यूटर मोबाइल से किसी से भी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मोबाइल से ही कर रहा हूँ, और दोस्तों मैं मोबाइल से ही आपको पूरा प्रोसेस आज दिखाने वाला हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों उसके बाद बात आ जाती है देखिए यहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग की, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चार चीज़ें हैं, चारों में आपको एक ही साथ समझाने वाला हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सर्कल एचआर मैनेजर के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिल जाती है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर जॉब देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर LSD की आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पर अगर बात करी जाए दोस्तों लोकेशन की, तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर लोकेशन आपकी यहाँ रखी गई है। यहाँ पे देखिए अकाउंट के अंदर जो जॉब मिलती है आपको, वो मिल जाती है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर।
ठीक है। उस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कुछ जॉब अकाउंट की है, कुछ ऑफिसर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, जो कि विभिन्न लोकेशन के आधार पर यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लोकेशन हर जॉब की आपको अलग मिलने वाली है। तो उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ बात कर जाए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है एक्सपीरियंस की। तो देखिए दोस्तों जो डीमार्ट है उसमें जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी आवेदन कर पाएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी, और जिनके पास दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं है वो भी। अब दोस्तों यहाँ बात आ जाती है आपकी एज लिमिट की, यानी दोस्तों यहाँ पे आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। तो दोस्तों आयु सीमा जो मिनिमम रखी गई है 18 साल, और दोस्तों मैक्सिमम जो रखी गई है यहाँ दिखा नहीं रखी, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैक्सिमम लगभग 45 साल दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों देखिए हर कंपनी आपको एज रिलैक्सेशन देती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलता है एस सी और ओबीसी के लिए, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं मिलता है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात आ जाती है आपकी सैलरी यानी वेतन की। तो दोस्तों आपको यहाँ वेतन मिलने वाली है आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, आपके इंटरव्यू के आधार पे, आपके देखिए एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए बात आ जाती है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, यहाँ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ नहीं लगने वाली, बेशक आप कोई सी भी कैटेगरी से हों, SC ST OBC या किसी से भी जनरल से भी हैं दोस्तों, आप तब भी यहाँ फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है भाई, joblaggy.com चैनल आपके लिए वह जॉब लेकर के आता है जिसमें आपका 1 रुपये तो बहुत दूर की बात है, आपकी जेब से 1 पैसा भी नहीं लगता। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत के बदले में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों उसके बाद बात आ जाती है आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन या क्वालिफिकेशन का मिनिमम लेवल रखा गया है 10वीं से लेकर। 10वीं के बाद आपने ITI, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, या फिर दोस्तों आपने कुछ भी यहाँ किया हुआ है 10वीं के बाद, तो आप दोस्तों आवेदन कर सकते हैं और अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात आ जाती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों आपके यहाँ सिलेक्शन होने वाला है आपके इंटरव्यू के आधार पर, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के आधार पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, कि यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी में आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों आपके पास आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए, उसके बाद में दोस्तों फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और दोस्तों आपके पास पासबुक होनी चाहिए आपके बैंक की, खाते की, और दोस्तों आपके पास वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि भी दोस्तों अनिवार्य है होना। अब दोस्तों यहाँ देखिए डिटेल तो मैंने आपको A to Z पूरी बता दी है, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि भाई हमें आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए या तो आप गूगल के किसी ब्राउज़र पर सर्च कर सकते हैं joblaggy.com, या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जहाँ आप क्लिक करके सीधा पहुँच सकते हैं दोस्तों आप डीमार्ट के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पर, वहां जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं डीमार्ट की ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पर ही ले जाकर। तो जैसे ही दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने डीमार्ट लिखा हुआ आ जाता है, और उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का दोस्तों आपको ऑप्शन देखने मिलता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर कीवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं कीवर्ड में आपको यहाँ पर जॉब सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप दोस्तों नीचे आते हैं तो लगभग 83 आपको जॉब देखने को मिल जाती है, कैटेगरी 83 है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बार जूम कम करके दिखा देता हूँ सारी जॉब जितनी भी निकली हुई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मैं जॉब जो बता रहा हूँ सर्कल HR मैनेजर के लिए थी, यहाँ पे अकाउंट के लिए जॉब है, ऑफिसर के लिए है, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यहाँ मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ जूनियर मैनेजर वाली जॉब के लिए आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जॉब जो निकली थी मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों 9 तारीख 3rd महीना 2022 यानी कि 9 मार्च 2022 को ये जॉब अपलोड करी गई है, मुंबई के अंदर जॉब लोकेशन दोस्तों इसकी रखी गई है। मान लीजिए दोस्तों आपको इस जॉब के लिए आवेदन करना है, तो दोस्तों आपको इस जॉब पे क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है डीमार्ट की ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आता है, सेव जॉब का ऑप्शन आता है, और दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसे ईमेल के थ्रू अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे रिटर्न का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ आवेदन करना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, और जैसे दोस्तों यहाँ अप्लाई पे क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है दोस्तों ओपन हो जाता है डीमार्ट की ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कैरियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपसे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ना ही आपकी ईमेल आईडी है और ना ही आपके पास पासवर्ड है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लेना होगा, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ अकाउंट क्रिएट होगा, तब आप अपना रिज्यूमे यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपके सामने क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज दोबारा से यहाँ ओपन हो जाता है, जहाँ दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने कैरियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट अकाउंट का दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट एन अकाउंट का दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आपके सामने आपसे ईमेल पूछी जाती है आपकी, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो, उसके बाद रिटेप ईमेल आईडी आपसे पूछी जाती है, चूज पासवर्ड
रिटाइप पासवर्ड और फर्स्ट नेम लास्ट नेम आदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने पासवर्ड की पॉलिसी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बोला गया है पासवर्ड 8 अंकों से आपका कम नहीं होना चाहिए, 8 से ऊपर आप रख सकते हैं और 18 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए आपके पासवर्ड में एक आपका लेटर होना चाहिए, उसके बाद में एक नंबर भी होना चाहिए और दोस्तों एक स्पेशल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल लेटर भी दोस्तों आपके एक पासवर्ड में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने दिमाग से चूज करके यहाँ पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आपका अकाउंट देखिए दोस्तों क्रिएट होता है, आपके सामने ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे रिज्यूमे सबमिट करने का। और साथियों जैसे ही आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे अटैच करते हैं 2 MB से कम का, तो दोस्तों आपके यहाँ रिज्यूमे अटैच होने के बाद में आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। और दोस्तों जो रिज्यूमे में आपका एक्टिव ईमेल आईडी या फिर एक्टिव मोबाइल नंबर होता है उसके थ्रू कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करती है और जॉब लोकेशन पर आपको बुला लिया जाता है। और दोस्तों ये प्रोसेस होता है बहुत ही जल्दी, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर। और दोस्तों जैसे ही आप जॉब लोकेशन पर पहुँचते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपकी किस्मत चमकने वाली होती है। जी हाँ, आप जॉब कर पाते हैं और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा पाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी करके इसी तरह के एक और जॉब से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।